आज हम प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन पे हैं, जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती हैं जो अपने गंतव्य स्थल पे जाती हैं। ये प्रयागराज का सबसे बड़ा स्टेशन है, लेकिन इसी स्टेशन पे बड़ी मात्रा में ऐसे लोग भी रहते हैं जो स्टेशन पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। कैसी होती है उनकी ज़िंदगी, आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। आइए हम उन लोगों से भी बात करते हैं। दादी, आपका नाम क्या है? कुसुमा देवी। आप करती क्या हैं यहाँ पे? यहाँ करते हैं, बेटा मांगते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, आप मजदूरी करती हैं। आपका कोई घर वर नहीं है? अरे घर वर का धरा ही नहीं है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम कौसाम्बी के हैं। आप कौसाम्बी की हैं, तो आपका जीवन यापन यही होता है? हाँ, यहाँ होता है। आप डेली कितना कमाती हैं यहाँ पे? क्या कमाते हैं, 40-50 तुम्हारी ना क्या कमाएं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में हैं 8-9 जने। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं, उन्हें मजदूरी करते हैं। अच्छा, वो भी मजदूरी करते हैं, तो अपन देहात में रहते हैं तो करते हैं। आपको भारत सरकार की तरफ से कोई आवास योजना वोजना नहीं मिली है? कुछ नहीं। अच्छा, उस आवास योजना नहीं मिली है। आपका जीवन यापन इसी स्टेशन पे ही होता है? स्टेशन पे ही होता है। अच्छा, तो आप जैसे जो है यहाँ पे रहते हैं, तो कभी प्रशासन की तरफ से कोई दबाव नहीं बनाया जाता? अरे भगावत उगावत है, कब बनावत है, मार मार के भगावत है ना। अच्छा, वो प्रशासन आपको यहाँ रहने भी नहीं देता है? हाँ, जो भगावत है ना, तो कोई तो भगावत है, नहीं तो इनक आदमी कमाते खाते रहते। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भीख भी मांगते हैं, तो आप लोग उनमें शामिल नहीं है? नहीं, उसमें नहीं है शामिल। उमा नहीं है ना भाई, दतून बेचते हैं, जो बात साफ है दतून। चलिए ठीक है। दादा, आपका नाम क्या है? पप्पू। पप्पू, आप यहीं रहते हैं? नहीं, कौसाम्बी। कौसाम्बी, तो आपका घर कौसाम्बी है? कौसाम में आते हैं? हाँ। कहाँ पे काम करते हैं, शहर में या स्टेशन में? स्टेशन में। स्टेशन पे काम करते हैं। स्टेशन पे आपको काम मिल जाता है? मेहनत मजदूरी कर लेते हैं अपना, थोड़ा बहुत काका के नहीं बैठ के नहीं धंधा पानी कर लेते। डेली आप कितना कमाते हैं? अरे 100-200-300 मिल जाते हैं, वो कहा है। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे नहीं है। आप अकेले हैं? शादी नहीं हुई क्या? नहीं। अच्छा, तो आपका खर्चा इतने से चल जाता है? क्या करें, अकेला आदमी अकेला अपना खर्चा पानी चला रहा हूँ। तो आपकी तो उम्र हो गई, उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे नहीं, जब तक पवरू का तब तक खा रहे नहीं, उसके बाद काम है खत्म। ये कौसाम्बी के दादाजी हैं जो यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। आपका नाम राधा है, आप यहीं पे रहती हैं? हम यहीं रहते हैं। आपका घर कहाँ है? बिहार। आप बिहार से यहाँ रहने के लिए आई हैं? आप यहाँ पे मजदूरी करती हैं? मेरे बिहार घर है, बाप माता नहीं है, मैं ही रहते सब दिन बाल बच्चे। आपके माता पिता नहीं है? नहीं। तो आप यहाँ पे कैसे चली आई? हमको नानी रहते थे पहले कानपुर, तो पहले वहाँ चले आए थे, नानी खत्म हो गया, शादी ब्याह का दिवस मर गए, तो उसमें नहीं आते घर द्वार। आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं है। तो आप यहाँ पे मजदूरी करती हैं? आप डेली कितना कमा लेती हैं? भैया वो 250 रुपये कमा लेते हैं, हो जाते बच्चे पर पाल लेते हैं। आज के दौर में एक अकेली महिला स्टेशन पे रहे, उसके लिए बहुत सारे खतरे नज़र आते हैं। तो आपको कैसा, कभी ऐसा फील हुआ इलाहाबाद प्रयागराज जंक्शन पे यहाँ पे कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती हो? कुछ नहीं हुआ हमको यहाँ पर। हुआ कभी आपको परेशान किसी ने नहीं किया? करे हैं, पुलिस वाले करते हैं, परेशान मारते हैं, डांटा उंटा भगाते हैं, बस और कुछ नहीं बोलते हैं। और यहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट होता है आपको? हाँ, लोकल वाला सपोर्ट करते हैं, बस गलते उल्टे बोलते हैं सब, उल्टा सदर बोलते हैं लोग। आपके कितने बच्चे हैं? 4 हैं। आपके पति के? पति के हो खूब 1.5-2 साल हो रहा है। ये आपका बच्चा है? नहीं, दूसरे रखे पति हैं, मैंने रखे आदमी के। अच्छा, आपने दूसरी शादी की है? हाँ। तो ऐसे बताइए ना, और ये बच्चा भी आपका है? हाँ। तो आपका काम करते हैं, अभी खर्चा वर्चा देखते हैं वही? हाँ, वो खर्चा नहीं देते, दारू शराब पीते भैया, गाली गंदी गंदी देती है, देते हैं, अपना काम चलाते हैं, अपने बच्चे पल पाते हैं। अच्छा, तो वो दारू पीते हैं, तो आपने कभी समझाया नहीं उनको? अरे भैया समझाते, बुरी बुरी गाली देते हैं, रंडी छपो क्या करें, समझाने से बहुत माथा पड़ रहा। आपने कंप्लेन नहीं की पुलिस वालों को, मेरा पति मारता है? नहीं नहीं करे भैया, अभी कुछ कंप्लेन की। क्यों? हम इसलिए नहीं कंप्लेन करेंगे, हमको पीछे आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं, इसीलिए नहीं करे। अरे नहीं, क्यों नहीं बोलने वाला, प्रशासन के पास जाती इस बात को लेके कि हमें हमारे पति प्रताड़ित करते हैं, तो सहयोग नहीं करते? अभी हम क्या किनके जाएँ, किनके प्रसादन देखे भी नहीं, हम कहाँ जाए, या तक घूमे नहीं हैं। इलाहाबाद जंक्शन पे हजारों की संख्या में पुलिस वाले काम करते हैं। पुलिस वाले कहेंगे, पुलिस वाला सुनते ना सुनते, मियाँ बीवी है बस, बत्तक का घाट जाएंगे। नहीं तो आप उनसे बताइए ना कि ये हमें परेशान करता है, ये हमारा पति है,
भी हम उतना कहते हैं कोई पुलिस वाले सुनते नहीं। तो आपकी कमाई उनके दारू में जाती है या आपके बच्चों की परवरिश में जाती है? भैया हम उनको कमा उमा के नहीं देते, जब बनता अपन कमाते अपने बच्चे पालते, उसको हम देते थे नहीं। कितने बच्चे हैं? चार है, एक लड़का और एक लड़की है। इनमें से स्कूल जाते हैं कोई? कोई नहीं जाते भैया बच्चे। क्यों स्कूल क्यों नहीं भेजती भैया? जब मेरा आधार कार्ड है लेना, राशन कार्ड ना पैन कार्ड का कुछ नहीं, तुम कहाँ भेजेंगे? आपका राशन कार्ड भी नहीं बना है? कुछ नहीं बना भैया। आधार कार्ड कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों भैया? मालूम न पड़ा कहाँ बना, एक लंगी यहाँ बाहर में गए बनवाने सोचे तो हमको बनवे नहीं किए। अगर आपका राशन कार्ड नहीं है, आपका आधार कार्ड नहीं है, तो आपको विदेशी नागरिक घोषित करके भारत सरकार यहाँ से बाहर फेंक देगी, तब क्या करेंगी? तब क्या करेंगे भैया? आपको आप वोटर भी नहीं है? कुछ नहीं भैया। ऐसा क्यों? आपको अपना आधार कार्ड तो एटलीस्ट बनवा लेना ही चाहिए भैया। हमको मालूम नहीं पड़ा यहाँ से आधार बनते, हम गए थे आधार बनवाए, नहीं बना, कुछ नहीं मिला। ओके, ये हमारे समाज की वास्तविकता है कि जहाँ पे हम विश्वगुरु होने का दावा करते हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जिसके पास ना तो अपना आधार कार्ड है, ना तो अपना वोटर कार्ड है, वो बिहार से आई हुई हैं, यूपी के प्रयागराज स्टेशन पे अपना जीवन यापन करती हैं, उसके बावजूद भी वो परवरिश करती हैं, उनके पति दारू पीते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने परिवार को चला रही हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं भेज पा रही हैं कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। सोचिए, ये हमारे देश की समस्या है। कैमरा पर्सन अरुण चौरसिया के साथ मैं विकास यादव।